जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको काफी अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आए हैं, बहुत सारे टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से बताता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल दोस्तों Vivo Y73s 5G लॉन्च हो गया था। आज सुबह डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता दिया हूं मैं, आई बटन पे दे रहा हूं, क्लिक करके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आपको बहुत खुश कर देगा, पूरा अपडेट सुनिएगा। Honor 50 Pro आज AnTuTu बेंचमार्क में पकड़ा गया है और जानते हो वहां पर क्या मिल रहा है हम लोगों को, Android 11 मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों Honor के जितने भी स्मार्टफोन्स अब नए लॉन्च हो रहे हैं वहां पर आपको Google Play सर्विस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा न्यूज है, इसकी वजह से ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकते हैं Honor के स्मार्टफोन्स। तो Honor के स्मार्टफोन्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनमें Android का सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन अब दोस्तों अब Android का सपोर्ट आपको ऑफिशियली मिलने लगा है। आपको ये न्यूज कैसा लगा जल्दी कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, MediaTek दोस्तों वर्ल्ड का नंबर वन चिप मेकर ब्रांड बन चुका है, Qualcomm को भी दोस्तों वो क्रॉस कर चुका है। ये दोस्तों थोड़ा सा समझ में भी आता है क्योंकि दोस्तों Qualcomm बहुत अच्छे अच्छे चिपसेट्स बनाता है, चाहे वो दोस्तों फ्लैगशिप लेवल के हो गए चाहे वो दोस्तों एंट्री लेवल के हो गए, सारे के सारे 5G चिपसेट वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड उसके जो चिपसेट और जो प्रोसेसर्स होते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं एज कंपेरिजन टू Qualcomm के प्रोसेसर्स, इसी वजह से दोस्तों वो अब टॉप पे है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Honor 50 Lite के तरफ से। ये Honor 50 सीरीज का ये स्मार्टफोन है, ये दोस्तों 16 तारीख को Honor 50 सीरीज के साथ लॉन्च हो जाएगा। इसके दोस्तों लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लीजिए, आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। सारे इमेजेस धीरे धीरे दिखा दे रहा हूं, देखने में वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर का है, आपको देखने में कैसा लग रहा है जल्दी कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Nothing के तरफ से। Nothing के दो नए पावर बैंक्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। वैसे Nothing के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। कुछ टाइम पहले एयरफोन्स क्लियर किए थे, फिर वायरलेस एयरफोन्स क्लियर किए, फिर TWS क्लियर किए, अब पावर बैंक क्लियर कर चुके हैं। तो Nothing आने वाले टाइम में अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आपको पक्का बहुत गुस्सा दिलाएगा। कल दोस्तों Moto G Stylus 5G लॉन्च हो गया था यूरोप में, करीबन रात के 11-12 बजे के आसपास लॉन्च हुआ था एंड मैं वीडियो भी बना दिया था, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा। इसका प्राइस है 29,100 रुपये। 29,100 रुपये में आपको स्नैपड्रैगन 480 देता है और 5000mAh का बैटरी, 10 वॉट का चार्जर, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। क्या सोच के इसको लॉन्च किया पता है नहीं, मेरे को तो सुन के ही बहुत हंसी आया, भाई 29,100 रुपये प्राइस रखे हो, यहाँ पर 30,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 870, डायमेंसिटी 800 नहीं यार, डायमेंसिटी 1200, ऐसे ऐसे प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं और आप हम लोगों को स्नैपड्रैगन 480 दे रहे हो, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे हो। जाके वीडियो देखो, आपको सब कुछ मालूम चलेगा, आप बहुत ही हंसोगे बैठ के, वीडियो जाके देखो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अमेजिंग है। अगला अपडेट आ रहा है Realme X9 सीरीज की तरफ से। Realme X9 सीरीज का कोई एक स्मार्टफोन है जो आज टेना सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है, देख लीजिए, आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको मालूम चला ये कौन सा स्मार्टफोन है, मेरे को मालूम चल गया, ये Oppo Reno 5 Pro Plus है जो दोस्तों पिछले साल लॉन्च हुआ था एंड अभी भी ये फ्लैगशिप लेवल के आपको स्पेक्स प्रोवाइड करता है एंड Oppo Find X3 सीरीज में इसका नाम है Oppo Find X3 Neo। Oppo इसको दोबारा एक नए नाम के साथ लॉन्च कर दिया था, अब Realme इसको रीब्रांड करेगा Realme X9 सीरीज में। मेरे को जहां तक लगता है Realme X9 Pro हो सकता है क्योंकि Realme X9 Pro ही आपको इतने हाई लेवल के स्पेक्स प्रोवाइड करेगा। ये बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है, वीडियो बनाया था मैं, आई बटन पे दे दे रहा हूं, क्लिक करके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। ये एक साल पहले लॉन्च हुआ था एंड मैं वीडियो बनाया था, मेरा पुराना वीडियो जाके देखो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सैमसंग का आज लॉन्च इवेंट था जहां सैमसंग दोस्तों वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट 50 मेगापिक्सल के सेंसर को लॉन्च कर चुका है, सैमसंग ISO सेल JN1। ये दोस्तों वर्ल्ड का सबसे छोटा 50 मेगापिक्सल का सेंसर है जो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले दोस्तों आपको शायद ये सैमसंग के कोई फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स में ही दिखाई देगा जहां पर ये दोस्तों मेन कैमरा या फिर दोस्तों सेल्फी कैमरा का भी काम कर दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों सैमसंग ही सबसे पहले अपने कोई स्मार्टफोन में इसको इंप्लीमेंट करेगा, तभी तो लॉन्च किया है इसको। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही छोटा है, मतलब कि मैं स्मॉलेस्ट इसलिए बोल रहा हूं, अगर मान लो पंचोल में इसका यूज किया जाएगा तो बहुत ही छोटा पंचोल यहां पर क्रिएट होगा। जितना छोटा पंचोल होगा उतना छोटा सेंसर वहां पर लगा होता है, जितना बड़ा पंचोल होता है उतना ही बड़ा दोस्तों सेंसर का यूज किया जाता है, इसलिए पंचोल बड़ा छोटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा 50 मेगापिक्सल का सेंसर है जो बहुत ही अच्छी बात है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बहुत लंबे टाइम से बताते हुए आ रहा हूँ कि वन प्लस बहुत ही जल्द अपने नॉर्ड सीरीज में दो नए स्मार्टफोन्स को ग्लोबली लॉन्च करेगा। एक वन प्लस नॉर्ड N200 होगा, एक वन प्लस नॉर्ड 2 होगा। ठीक है, आपको याद है कल के टेक न्यूज में मैं आपको बताया था कि डिजिटल चैट सेशन बताए हैं कि वन प्लस एक डायमेंसिटी 1200 वाला फोन लेके आएगा, जहाँ पर सोनी IMX766 का सेंसर होगा 50 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों वो जो स्मार्टफोन है ना वो वन प्लस नॉट 2 होगा। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ नए नए स्पेक्स आ चुके हैं, 91 मोबाइल्स इसको बताए हैं। वो स्मार्टफोन वन प्लस नॉट 2 होगा, जहाँ पर आपको 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा, डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर, 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 32 का सेल्फी, 4500 mAh का बैटरी। अभी तक तो इतना ही मालूम चला है। देखो यार, ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है क्योंकि वन प्लस नॉर्ड इंडिया में भी लॉन्च हुआ था, तो प्रॉबली वन प्लस नॉर्ड 2 भी इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन इसको लॉन्च होने में टाइम लगेगा। पहले ये स्मार्टफोन ग्लोबली तो लॉन्च हो जाए, फिर उसके बाद इंडिया में आएगा। आज तो वन प्लस नॉर्ड CE 5G लॉन्च होने वाला है, अभी आगे के टेक न्यूज में आपको बताऊंगा, क्योंकि फिर रीशूट कर लूंगा मैं ना। अभी ये न्यूज पूरा रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, जब वन प्लस नॉर्ड CE 5G लॉन्च होगा तो फिर से रिकॉर्ड कर लूंगा आके। तो आप आगे न्यूज में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वन प्लस नॉर्ड CE 5G लॉन्च्ड। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo Y73 की तरफ से। आज ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 64+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 का सेल्फी, हीलियो G95 के साथ आया है, 4000 mAh का बैटरी, 33 वॉट का चार्जर, और यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। इसका एक ही रैम वेरिएंट लॉन्च हुआ है, 8+128GB, जिसका प्राइस है 21,000 रुपये, कह लीजिए दोस्तों 20,990 रुपये। ठीक है, प्राइस तो सही लगा मेरे को। जी हाँ, प्राइस सही लगा। मैं दोस्तों वीवो के प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, जिनको वीवो के स्मार्टफोन्स खरीदने का शौक होता है उनके लिए ये प्राइस सही है। ठीक है, अच्छा स्मार्टफोन है, वीडियो बनाऊंगा मैं, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, अगला अपडेट आपको शायद चौंका सकता है। फेसबुक दोस्तों आने वाले टाइम में अपने स्मार्ट वॉच को लॉन्च करेगा। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आपको दो कैमरास देखने को मिलेंगे एंड काफी इंटरेस्टिंग स्पेक्स आपको प्रोवाइड करेगा। फेसबुक कब से स्मार्ट वॉच बनाने लग गया पता नहीं, एंड ऐसे ऐसे रूमर्स भी हैं कि आने वाले टाइम में वो स्मार्टफोन्स भी बनाएगा। अब फेसबुक क्यों ऐसा कर रहा है पता नहीं, वो दोस्तों फेसबुक को ही संभाले तो अच्छा रहेगा, उसकी प्राइवेसी को ये सब ना करे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी देखते हैं यार, देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया था कि रियलमी के लैपटॉप का दोस्तों नाम हो सकता है रियलमियाओ बुक या फिर रियलमी बुक, तो नाम कंफर्म हो चुका है, रियलमी बुक इसका नाम होगा। एंड मैं ये भी बताया था ये मैकबुक के जैसे आपको थोड़ा सा वाइब्स देगा, वैसे ही लुक्स देगा। तो आज लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लीजिए, एंड्रॉइड अथॉरिटी पूरे लाइव इमेजेस लेके आ चुके हैं। मैं आपको सारी इमेजेस धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मैकबुक के जैसे दिख रहा है, रियलमी की ब्रांडिंग है, देखने में वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, बेजल्स बहुत कम है, आगे से भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रे कलर में है, देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है क्योंकि मैकबुक का वाइब दे रहा है ना इसी वजह से। और दोस्तों रियलमी का पैड भी आएगा, वो भी कंफर्म हो गया है, रियलमी पैड उसका नाम होगा। अब ये दोस्तों जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना ये 15 तारीख को रियलमी GT के साथ लॉन्च हो जाएंगे ग्लोबली। इंडिया में बहुत जल्दी आएंगे, जैसे भी आएंगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको ये न्यूज कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी M32 की तरफ से। इसके ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं, देख लीजिए, आपको स्मार्टफोन कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी M42 5G के जैसे दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही है। स्पेक्स भी मालूम चल गए हैं, 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और हीलियो G85 के साथ आएगा, 48+8+5+5 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 20 का सेल्फी, 6000 mAh का बैटरी, 15 वॉट का चार्जर। सब कुछ तो मालूम चल गया है, बस लॉन्च डेट मालूम चल जाए तो उसके बाद देखते हैं। इसका प्राइस आपको 20,000 रुपये के आसपास शायद दिखाई दे सकता है, प्रॉबली 17,000 रुपये या फिर 16,000 रुपये। तो दोस्तों देखो यार, मैं आपको कुछ टाइम पहले बताया था ना कि रियलमी का एयर प्योरीफायर और रियलमी का वैक्यूम क्लीनर सर्टिफाइड हो चुके हैं। तो रियलमी का दोस्तों जो वैक्यूम क्लीनर है उसके लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लीजिए। एक्चुअली इसका नाम होगा रियलमी रोबोट वैक्यूम क्लीनर। ये दोस्तों रियलमी GT के साथ 15 तारीख को ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा, ये इंडिया में भी आएगा, देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है BGMI के तरफ से। जनरली मैं BGMI के अपडेट्स को नहीं देता हूं अपने टेक न्यूज़ में, एक्चुअली कुछ अपडेट्स आते ही नहीं है। कल देखो, कल सब लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स रूमर्स फैला रहे थे कि 10 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, कहां लॉन्च हुआ। वो डेली कुछ ना कुछ रूमर्स फैलाते रहते हैं ताकि टेक न्यूज़ में BGMI का नाम आ जाए, व्यूज आ जाए, इसीलिए बेवकूफ बनाते हैं। आज वाकई में एक अपडेट आया है, एक पोस्टर दोस्तों आया, देख लीजिए, वहां पर लिखा गया है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो लॉन्च डेट के लिए, ये सब बताया गया है, लेकिन वहां पर एक नंबर है, आप नीचे देख सकते हो, वहां पर ढेर सारे नंबर है, अगर आप उन नंबर्स को जोड़ दोगे 18 तारीख सामने आएगा, 18 नंबर सामने आएगा। तो यार फिर से ये 18 तारीख को हिंट दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये 18 तारीख को लॉन्च हो जाएगा।
आप खुद जोड़ के देख लो 18 तारीख आएगा। तो दोस्तों देखो यार, अभी ना जियो ने अपने एक नए स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया है, जियोनी जी बडी स्मार्ट वॉच। इसका प्राइस है 2,100 रुपये, इससे दूर रहिएगा, ये बिल्कुल आपको अच्छी वैल्यू देता नहीं, इसको परचेस मत करिएगा। जियोनी अच्छे स्मार्टफोन्स तो लॉन्च करता नहीं है, अच्छे स्मार्ट वॉचेस कैसे लॉन्च कर देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus के तरफ से। तो फाइनली OnePlus Nord CE 5G आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। स्पेक्स बता देता हूँ फिर प्राइस बताता हूँ। 6.43 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 का सेल्फी, 4500 mAh का बैटरी, 30 वॉट का चार्जर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड्रॉइड 11, स्नैपड्रैगन 750G। और दोस्तों यहां पर आपको केवल एक ही 5G बैंड मिलता है, M78 बैंड, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहां पर आपको 6+128GB 23,000 रुपये यानी कि 22,999 रुपये का, और 8/128 24,999 रुपये का, और 12/256 27,999 रुपये का। और जून के 11 तारीख को सुबह 12 बजे Amazon पे इसका दोस्तों प्री ऑर्डर चालू हो जाएगा, ठीक है। अगला अपडेट भी दोस्तों OnePlus की तरफ से है। OnePlus का U1S स्मार्ट टीवी सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 50 इंच का अगर टीवी लोगे तो 40,000 रुपये का पड़ेगा, 55 इंच का 48,000 रुपये का, और 65 इंच का 63,000 रुपये का, 62,999 रुपये। और यहाँ पर आपको स्मार्ट टीवी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, वो भी लॉन्च कर दिया है OnePlus, 2,500 रुपये इसका प्राइस है। तो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को लॉन्च कर दिया है। आपको स्मार्ट टीवी का प्राइस कैसा लगा, मतलब कि स्मार्ट टीवी सीरीज का प्राइस कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और ये भी बताओ कि आप स्मार्ट टीवी कैमरा खरीदोगे, मेरे को ये भी कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है पोको X3 GT के तरफ से। पोको X3 GT अचानक से कई सारे सर्टिफिकेशंस को क्लियर कर चुका है, HDP सर्टिफिकेशन, TKDN सर्टिफिकेशन, SGS FIMCO सर्टिफिकेशंस, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस को एक साथ क्लियर कर चुका है। इसका मतलब दोस्तों ये बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। क्या पता ये पोको F3 GT के साथ ही लॉन्च हो जाए, क्योंकि ये भी दोस्तों GT सीरीज का स्मार्टफोन है। कुछ भी पॉसिबल है यार, कुछ भी मालूम चलेगा आपको बताऊंगा। वैसे अगर आप पोको F3 GT के बारे में जानना चाहते हो या फिर पोको X3 GT के बारे में जानना चाहते हो, वीडियोस बना दिया हूं, आई बटन पे दे रहा हूं, क्लिक करके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 50 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल लोगों खुश रहो, और OnePlus Nord CE 5G के ऊपर आज रात के 3 बजे वीडियो आएगा, स्टे ट्यून करिएगा। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। चलो बाय।